जशपुर जिले में गांजा तस्करी करते हुए 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो वाहन में 105 किलो गांजा लेकर ओडिशा से प्रयागराज जा रहे थे। पुलिस ने 10,50,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। आपको बता दें कि जशपुर जिले के तबकरा पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी ओडिशा से अवैध गांजे की तस्करी कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया है। स्कॉर्पियो वाहन में 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा था, जिसकी कीमत लगभग 10,50,000 बताई जा रही है। थाना प्रभारी LR चौहान ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की टीम चेक पोस्ट पर हर एक वाहन की चेकिंग कर रही है। पुलिस को बुधवार को ओडिशा से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश ले जाने की सूचना मुखबिर से मिली थी, और जहां पर तबकरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेक पोस्ट नामनी ऊपर कछार घेराबंदी कर जंगल के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही में स्कॉर्पियो वाहन के पीछे डिक्की में 4 बोरी में 105 किलो गांजा छुपा कर रखा हुआ था, जिसकी कीमत तकरीबन 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक थाना प्रभारी LR चौहान, जयनंद मार्बल, साथ ही में सामुदान टोपो और साथ ही में राजेश कुजूर समेत अन्य आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत नामनी में गांजा तस्करी रोकने के लिए पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है। वहां प्रतिदिन चेक किया जाता है। प्रतिदिन की भांति आज दिनांक 15/6/22 को भी लगभग सुबह से शाम रात तक चेकिंग किया जाता रहा है, और आज भी चेक करते समय एक सफ़ेद रंग का स्कॉर्पियो क्रमांक UP 62 MB 8990 गाड़ी आई, जिसे बैरियर में चेक करने के लिए रोका गया, पर वह गाड़ी न रुकते हुए गाड़ी को स्पीड से बढ़ाकर सिंगी बहार जंगल की रास्ता की ओर भगाते ले गया था। संदेह होने पर स्टाफ थाना में सूचना दिए, उसके बाद पूरा थाना स्टाफ के गए और उस जंगल सिंगी बहार जंगल में घेराबंदी कर पता तलाश किए, तो एक आम झाड़ के पास गाड़ी को छुपा कर रखे हुए थे, और आरोपियों की तलाश की गई तो वह भी 3 आरोपी जंगल में ही छुपे हुए थे, जो मिलने पर पूछताछ करने पर बताया गया कि गाड़ी उड़ीसा से प्रयागराज गांजा भर कर ले जा रहे थे। डर से हम लोग भाग गए थे वहां से और छुपे हुए थे, जिस पर गाड़ी खुलवाया गया। गाड़ी खोलने पर देखे कि उसमें गांजा बोरा से भरा हुआ 4 बोरी था, और गवाहों के समक्ष धारा 20B NDPS के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी महेश कुमार यादव, विजेन प्रताप सिंह एवं नरेंद्र शर्मा प्रयागराज थाना पट्टी जिला प्रताप गढ़ को के कब्जे से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद कर वाहन सहित सामूहिक कब्जे से तीनों के सामूहिक कब्जे से जब्त कर कार्रवाई किया जा रहा है।